हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नव भारती स्टडी सर्कल। फोर्थ चैप्टर की बात हो रही है और फोर्थ चैप्टर में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कि हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है अगर दोनों प्लेट्स के बीच में जो हम डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लेते हैं वो अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो और अलग अलग थिकनेस के हों। तो उसमें एयर भी है और साथ साथ क्या है, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी है, वो भी अलग अलग और अलग अलग थिकनेस के। तो उसके कारण आज जो हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस, वो किस तरह से डिराइव होगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम प्लेट ए लेते हैं जो कि कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है, प्लेट ए। सेकेंड प्लेट है हमारे पास प्लेट बी जिस पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम रखते हैं स्मॉल डी। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज फिल्ड विद डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। इसका मतलब क्या है, जो हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले रहे हैं वो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, या फिर डाइलेक्ट्रिक उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है, अलग अलग है। हर मीडियम में उनका जो मीडियम है वो अलग अलग है और साथ साथ क्या है, उनकी जो थिकनेस हम ले रहे हैं वो भी अलग अलग है। तो इसको हम किस तरह से इसमें डायग्राम में बनाएंगे, मान लो सबसे पहले हमने ये थिकनेस का डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले लिया है, इसके बाद में थोड़ा सा अपन ने स्पेस छोड़ दिया क्योंकि यहां पर क्या है, फ्री स्पेस भी है। सेकेंड हमने नेक्स्ट डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया है ये, फिर हमने एक और डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले लिया, ये उससे कुछ डिफरेंट थिकनेस का है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ER1 का ये फर्स्ट क्या है, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। ER2, फिर ये है ER3। तो ये क्या है, अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड चीज हम देखते हैं इसकी जो थिकनेस है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की, वो हम डायग्राम में स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो मान लो फर्स्ट की जो थिकनेस है ये वो T1 है, सेकंड की थिकनेस हमने T2 लिख ली है और थर्ड की हमने T3 लिख ली है। इसी तरह से हम इसको क्या कर देंगे, डैश डैश कर देंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तीन से ज़्यादा कितने भी हम डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, कोई एक लेना हो तब तो वो हमारे पास कौन सी कंडीशन बन जाएगी, पहले वाली कंडीशन बन जाएगी जिसके अंदर हमने एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया था और साथ साथ उसमें एयर स्पेस की बात की थी। तो वहाँ क्या होगा, एयर स्पेस की जब हमने बात की थी वो तो एक अलग डेरिवेशन है, पूरा अगर कम्प्लीटली फिल्ड है डायरेक्ट्रिक सब्सटेंस से तो वो एक अलग डेरिवेशन है, लेकिन अगर थोड़ा उसमें एयर स्पेस है और थोड़ा उसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसका हमने एक अलग डेरिवेशन देखा था। अब हम क्या बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जो कि अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। यहाँ पर एप्सिलॉन R1 है, एप्सिलॉन R2 है, एप्सिलॉन R3 है, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो यहाँ हमने बात कर ली, तीन लिए हैं हमने, तीन से ज़्यादा भी ले सकते हैं और यहाँ हम बेसिकली इसको मान के चलेंगे कि हम यहाँ पर जो सब्सटेंस ले रहे हैं वो n सब्सटेंस ले रहे हैं और थिकनेस क्या है, T1, T2, T3 से लेके TN तक अलग अलग थिकनेस के हम डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है वो ले रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि इस प्रकार का अगर अरेंजमेंट हो कैपेसिटर में जहां पर फ्री स्पेस भी है, अलग अलग थिकनेस के अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी हैं, तो हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस तरह से डिराइव करेंगे, चलिए देखते हैं। सिंपल हमें फॉर्मूला लिखना है कैपेसिटेंस का, C=Q/V। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हमें क्या बताना है, ये पोटेंशियल इसमें पुट करके कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले अब बात आती है कि पोटेंशियल कैसे निकाला जाए। तो पोटेंशियल हम कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, V=ED। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है पोटेंशियल का। अब एक बात और आती है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, किस किस तरह से, एक तो हमने मान लिया डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वजह से, यहाँ जो हमने मीडियम रखा है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, दूसरा दोनों प्लेट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर पोटेंशियल भी बनेंगे। अब सेकेंड वाला जो पोटेंशियल होगा
वो किसके कारण है, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग थिकनेस जो है उसके कारण पोटेंशियल होगा। तो वहां पर जो टी स्मॉल टी जो डिस्टेंस रखते हैं उसके लिए अलग अलग सब्सटेंस उसके साथ आते जाएंगे, जैसे ER1 है वो T1 के लिए होगा, ER2 है वो T2 के लिए होगा, इसी तरह से N सब्सटेंस के लिए ERN, TN, ये हम उसमें टर्म्स जो है वो ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम अगर E1 की बात करें तो E1 हमारे पास क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम लिख लेंगे। सिग्मा क्या है यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं क्यू अपॉन ए, और एप्सिलॉन नॉट इसमें फॉर्मूले में आ रहा है, तो एक ये हमारे पास E1 हो गया। सेकंड हम E2 की बात करें तो E2 हमारे पास क्या आएगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और साथ में एप्सिलॉन आर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर दोनों मल्टीप्लाई होके मीडियम की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन एम जो है वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, हम ये किस फॉर्मूले से डिराइव करते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम जहां पर हमें मीडियम की परमिटिविटी रखनी हो वहां हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखते हैं। तो यहां सेकंड जो है वो डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके लिए हमने ये फॉर्मूला यहां रख दिया है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज तो हमें मालूम हो गए। अब तीसरी बात क्या कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन आर आ रहा है वो सिर्फ एक सब्सटेंस के लिए है और हमारे पास बहुत सारे एन सब्सटेंस हैं, तो उनके लिए ये जो टर्म्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ER1, ER2, ER3, इस तरह से ये कन्वर्ट होती रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो पोटेंशियल हमें निकालना है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, अब ये दो है तो दो पोटेंशियल हमें क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। तो पोटेंशियल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और कैसे निकालेंगे देखते हैं। E into D, ये फर्स्ट अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखें तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E1 हमारे पास क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पोटेंशियल फर्स्ट निकाल रहे हैं हम किसके लिए, दो प्लेट्स के लिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा बनता है, E1 बनता है। यहाँ इसके साथ डिस्टेंस लिखनी है, अब देखिए कंप्लीट जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच की वो तो स्मॉल डी है, और अलग अलग जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उनकी क्या है, T1, T2, T3 से लेके TN तक। तो जो फ्री स्पेस बचा है तो उस फ्री स्पेस की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कि अगर हम सारे जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उनकी जो डिस्टेंसेस हैं उनको प्लस करके कंप्लीट डिस्टेंस डी में से माइनस कर दें तो जितनी डिस्टेंस बचेगी वो फ्री स्पेस के लिए बच जाएगी। तो यहाँ हम सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, कौन सा वाला, जो सिर्फ इस डाइलेक्ट्रिक इन दोनों प्लेट्स के कारण क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे डिस्टेंस वो क्या होगी, हमें क्या करना है, डी में से माइनस करना है T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके TN तक जितनी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की थिकनेसेस हैं वो क्या करनी है, प्लस करके डी में से माइनस कर देनी है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल बन गया E1 के लिए। अब हमें क्या करना है, ED दूसरा पोटेंशियल निकालना है किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए। तो यहाँ पर प्लस करके डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है वो हमारे पास कितना है, एक है। अगर अपन ने एक मान लिया तो वहाँ पर सिर्फ टर्म लिखी जाएगी एप्सिलॉन आर। इसको बाद में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे जब वी का इसके अंदर, तब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो स्टेप कम करने के लिए हमने ऐसा किया, क्या करेंगे, प्लस करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया, अब हमें डिस्टेंस लिखनी है किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए। तो जितने भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं उन सब की जो थिकनेस है वो हमें प्लस कर देना है, टोटल जो डिस्टेंस आएगी वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू TN। तो देखिए स्टूडेंट्स एकदम सिंपली अपन ने सॉल्व कर लिया है, सी निकालना है हमें कैपेसिटेंस, क्यू अपॉन वी लिख दिया हमने, वी हमारे पास ईडीज का फॉर्मूला होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड हमने निकाल लिया है, इन्हीं के बेस पे हमने पोटेंशियल निकाला। देखो समझने वाली बात यहाँ पर है, यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया और डी जो डिस्टेंस आती है वो अभी हम फ्री स्पेस के लिए कर रहे हैं। तो जैसे एक अगर अपने पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास डी है, तो डी माइनस टी करेंगे तो एयर स्पेस निकल जाएगा अपने पास। तो वही हमने किया है, डी माइनस टी किया है, लेकिन अभी अपने पास टी क्या है, अलग अलग थिकनेसेस है अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की, तो उन सबको प्लस करके डी में से हमने माइनस कर दिया है, तो यहाँ टोटल जो डिस्टेंस है वो निकल जाएगी। सेकेंड हमने ये जो टर्म ली है प्लस कर देना है, इसमें आगे टर्म ली है किसके लिए, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए हमें पोटेंशियल निकालना है, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखा है। और अगर इसको हम इन सारे टर्म्स के नीचे लिखें तो वैसा भी कर सकते हैं, टी वन के लिए क्या होगा, ये एप्सिलॉन आर यहाँ से हटके कहाँ चला जाएगा, टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन, टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू, टी टू टी थ्री अपॉन एप्सिलॉन आर थ्री, फिर टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर एन। तो इस तरह से हम इसको सिंपली समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि ये जो पोटेंशियल है हमें किस में पुट करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, और आगे देखना है कि फॉर्मूले में क्या कैंसिल आउट होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर दोनों टर्म में अपने पास q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो इसको अपन कॉमन ले लेंगे, तो c इक्वल्स टू q हमने रखा, डिवाइड में हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला रखना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूले में हमने q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया है। फिर हमारे पास क्या बच रहा है, d माइनस ये बचेगा अपने पास फॉर्मूला, तो d माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस अप टू टी एन अपन ने लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म्स बच रही है प्लस में, तो टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू प्लस अप टू टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर एन, ये सारे अपने पास टर्म्स बच जाएंगे। हमने क्या किया है कि दोनों टर्म में से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया है, तो नेक्स्ट जितना भी स्टेप ये टर्म्स बचती है वो अपन ने लिख लिया है। अब देखिए क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ डिवाइड में, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो C इक्वल्स टू हमारे पास जो फॉर्मूला बचता है वो क्या आता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस अप टू टी एन, और प्लस में हमारे पास टर्म्स बचती है टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू प्लस डैश डैश टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर एन। तो हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला है वो आ चुका है कैपेसिटेंस का। ये कैपेसिटेंस हमने किसके लिए निकाली है, दो हमने प्लेट्स ली है, प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अलग अलग लिए हैं अलग अलग थिकनेस के। फिर हमने क्या किया, कैपेसिटेंस निकाला, उसमें पोटेंशियल निकालना है, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर और डिस्टेंसेस लेकर इस तरह से निकाल देना है, सिंपल है। अब हमें क्या करना है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a एप्सिलॉन नॉट वो हमें कॉमन ले लेना है, यहाँ पर v पोटेंशियल हमने यहाँ पर पुट किया, q से q कैंसिल आउट, a एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हम एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन कौन सी, कि अगर जो भी थिकनेसेस हैं उसको हमने d के इक्वल कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो स्मॉल t1, स्मॉल t2 प्लस स्मॉल t3 ये जितने भी हमने अलग अलग थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिए हैं वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है किसके अंदर, दोनों प्लेट्स के बीच में, यानी वहाँ पर जीरो एयर स्पेस है, एयर स्पेस नहीं है वहाँ पर, तो क्या होगा, जितनी डी डिस्टेंस थी उस डी डिस्टेंस को कवर कर लेगी, कौन कौन सी डिस्टेंसेस, टी वन से लेके टी एन तक की सारी डिस्टेंसेस। पहले हम क्या देख रहे थे कि जो थिकनेस अलग अलग थिकनेस की हमने जो डायग्राम में प्लेट्स ली थी उनके बीच में हमने स्पेस भी छोड़ा था, उन स्पेसेस में क्या थी, एयर स्पेस था वो, तो अभी जो इक्वेशन आई है वो एयर स्पेस के लिए भी है और साथ साथ डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस का भी उसमें मेंशन है, वो भी मेंशन है। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, अब केस अप्लाई करते हैं इसके अंदर, कौन सा केस है, कि जितनी भी हमने अलग अलग थिकनेसेस ली हैं उनको अगर प्लस किया जाए तो
तो वो कंप्लीट जो दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी उसको पूरा कर लेता है। यानी स्मॉल डी किसके इक्वल हो गई, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री से लेके टी एन तक जितने भी डिस्टेंसेज हैं उनके प्लस के सम के इक्वल हो गई। तो यहाँ इस फॉर्मूले में वो केस अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी वो देख लेते हैं। अगर हम डी को इक्वल मान ले टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन, तो देखिए अगर ये दोनों इक्वल हो गई यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डी लिख सकते हैं, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ अपने पास ये टर्म्स रहेंगी। तो सी अब अपने पास कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू प्लस टी थ्री अपॉन एप्सिलॉन आर थ्री प्लस अप टू टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर एन। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो ये बचेगा, और फाइनल हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये था। केस अप्लाई करने के बाद फॉर्मूला अपने पास ये होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डेरिवेशन इजीली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट एंड क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।